तो व्हाट्सअप दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सिंह और आप देख रहे हो अपना टेक्स अल्ट्रिक्स। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग चार ब्राउजर को कंपेयर करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैंने चार ठो जो ब्राउजर होता है ना उसको टेस्ट किया है। जो सबसे पहला जो ब्राउजर मैंने टेस्ट किया है ओपेरा GX, उसी के साथ साथ ब्रेव को भी टेस्ट किया है, और उसी के साथ साथ जो एज होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आने वाला और गूगल क्रोम, ये चारों को मैंने कंपेयर किया है और एकदम बढ़िया तरीके से मैंने टेस्ट कर लिया है। और अब मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कौन सा जो मतलब ब्राउज़र है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है, डिज़ाइन वाइज किसका कौन सा आप लोगों का लुक किसमें आप लोगों को ज़्यादा देखने को अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस किसमें अच्छा मिलेगा, लो एंड पीसी। जी हाँ दोस्तों, लो एंड पीसी अगर आप लोगों का है उसमें आप लोगों कौन सा मतलब ब्राउज़र में है अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा, लैग वगैरह कौन सा ब्राउज़र में नहीं देखने को मिलेगा, लो एंड पीसी के लिए कौन सा अच्छा है, नॉर्मल पीसी के लिए कौन सा अच्छा है, मैंने ये भी देखा है। फीचर्स किसमें अच्छा हमें देखने को मिल रहा है मैंने ये भी पूरा अच्छा से देख लिया है। डाउनलोड अपलोड टेस्ट मैंने सब इसमें, यहां तक कि मैंने इसमें सिक्योरिटी टेस्ट भी कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, किसमें आप लोगों को चारों में से सबसे बेस्ट सिक्योरिटी मिलता है मैंने उसको भी चेक किया है। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मैंने कुछ कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी कवर किया है तो मैं वीडियो में वो चीज़ इंक्लूड कर दूंगा। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में न्यू विजिट किए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को सेट जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब ना भाई लोग मेरे लिए बहुत कीमती है। अभी तक मैंने यहां तक जितना भी मैंने यहां तक अभी तक मैंने पहुंचा हूं ना, सिर्फ आप लोग के बदौलत पहुंचा हूं, तो थैंक यू आप लोग को। बस थोड़ा सा बचा है फिर मेरा 10K सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो जाएगा, तो प्लीज़ भाई लोग मदद करो और सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना। मेरे चैनल में पीसी रिलेटेड लैपटॉप रिलेटेड कंटेंट आता रहता है, और हाँ किसी भी टाइप का डाउट हो तो इंस्टाग्राम में जाकर के मेरे से आप लोग पूछ सकते हो। तो भाई लोग चलिए शुरू करते हैं। अब देखो भाई लोग, मैंने जो ब्रेव को हो गया, ओपेरा GX को हो गया, आप लोगों का गूगल क्रोम का हो गया, एज को हो गया, एकदम बढ़िया तरीके से मैंने टेस्ट किया है। तो मैं आप लोगों को वो चीज़ तो मैंने पीसी में, मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगा स्पीड टेस्ट, मैं पीसी में दिखाऊंगा, और आप लोगों को ब्राउज़र का सिक्योरिटी टेस्ट है वो भी पीसी में दिखाऊंगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डिज़ाइन आप लोग किसका अच्छा देखने को मिलता है। अब देखो अगर मैं डिज़ाइन का बोलूँ ना, डिज़ाइन मेरे को अभी तक सबसे अच्छा लगा है ओपेरा GX का। अब आप लोग सोचते हो कि भाई ये ओपेरा GX है क्या, किसका मतलब सॉफ्टवेयर। अब देखो आप लोग ओपेरा मिनी सुने होंगे, ओपेरा सुने होंगे, उसी का है, मतलब उसी का है, मतलब ये ओपेरा GX। और इसका आप लोगों को इंटरफेस है ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप लोग एक बार खुद देखो ना कितना ज़्यादा अच्छा इंटरफेस इसका हम लोगों को देखने को लग रहा है। थोड़ा हट के थोड़ा यूनिक इंटरफेस है बाकी सब ब्राउज़र से अगर मैं बोलूं। यहाँ पर ये आप लोग देख लो कुछ हमें कस्टमाइजेशन का भी अलग से यहाँ फीचर्स दिया हुआ है, जिसको यूज़ करके हम लोग इसका कुछ और भी अच्छा से इसका लुक को एनहेंस कर सकते हो। खुद से हम लोग को अपना खुद का पीछे बैकग्राउंड वगैरह भी अपना खुद का ऐड कर सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा चीज़ है। कस्टमाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारा फीचर है और डिज़ाइन A1 है इसका, मेरे ख्याल से तो मेरे लिए बेस्ट ब्राउज़र है इंटरफेस वाइज। मैंने अभी तक जितना भी ब्राउज़र यूज़ किया है ना, मेरे को इसका जो इंटरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। उसके बाद जो मेरे को सबसे अच्छा लगा है वो है ब्रेव का भी मेरे को जो इंटरफेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। तो इंटरफेस वाइज डिज़ाइन वाइज मैं ओपेरा GX को है वो टॉप में रखना चाहूँगा। तो अब हम लोग बात करेंगे किसका परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छा है। अब परफॉर्मेंस आप लोग खुद देख लो, और अभी भी जो है जहाँ तक मेरे ख्याल से अभी भी ये ओपेरा GX ही सबसे ज़्यादा रैम कंज्यूम कर रहा है। आप लोग देख सकते हो 290 के आसपास, यानी कि 300 पहुँचने वाला है। देख सकते हो कितना ज़्यादा इसका रैम यूसेज है सब में। आप लोग देख लो ब्रेव में 210 हो रहा, क्रोम में बहुत सारे लोग क्रोम को सोचते थे कि बट आज उल्टा हो गया, क्रोम सबसे यहाँ पर देख सकते हो सेकेंड कम में कर रहा है, और उसके बाद सबसे कम में कर रहा है एज, और सबसे ज़्यादा कर रहा है ओपेरा GX। अब ओपेरा GX का इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस यूज़ करने का एक कारण भी है जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। CPU यूसेज अगर मैं बोलूं तो CPU यूसेज सब में ही मतलब बराबरी के आसपास चल रहा था, अप डाउन आप लोगों को मिल रहा था, तो CPU यूसेज ज़्यादा नहीं था। बट हाँ रैम यूसेज बट मेरे को सबसे ज़्यादा जो लगा था वो ओपेरा GX का लगा था। तो बोलते हैं कि क्रोम में ज़्यादा, मेरे में तो मतलब कम यूसेज कर रहा था। अब क्या पता मैं बहुत सारा जब टैब ओपन करता तो मेरे को ज़्यादा यूसेज मिल सकता था, तो अभी तो मैंने उसको नहीं किया। मैं आप लोगों को आगे वो भी ओपन करके दिखा दूंगा। मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि आप लोगों का जो ओपेरा GX है वो सबसे ज़्यादा रैम यूसेज कर रहा था। अब उसके पीछे भी एक कारण था, क्योंकि आप लोगों को ओपेरा GX में सबसे ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलता है। अभी तक मैंने जितना भी देखा ना, मेरे को तो अभी तक ओपेरा GX में सबसे ज़्यादा फीचर्स देखने को मिला। कस्टमाइजेशन का तो भर भर के फीचर है,
और बाकी एक्सटेंशन वगैरह भी ऐड करने का दिया हुआ है। बहुत फीचर है, बहुत फीचर, कस्टमाइजेशन से रिलेटेड हद से ज़्यादा फीचर है। तो अगर आप लोगों को फीचर वाइज अगर आप लोग देखूँ तो मेरे को ओपेरा GX का सबसे ज़्यादा फीचर लगा। तो आप चलते हैं दोस्तों स्पीड टेस्ट करने, डाउनलोड टेस्ट करेंगे और उसके बाद अपलोड टेस्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग सिक्योरिटी टेस्ट भी करेंगे और बहुत सारे टैब भी हम लोग ओपन करके देखेंगे, सब हम लोग बात करेंगे। रुको रुको भाई लोग, वेट करो, मैंने वीडियो बनाने में बहुत मेहनत किया है। जी हाँ दोस्तों, हमें वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है और आप लोग ऐसे ही चल जाते हैं तो हमें दिल से बुरा लगता है। तो प्लीज़ अगर आप लोग चैनल पे न्यू विजिट किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हमारे चैनल में इसी टाइप के PC रिलेटेड, लैपटॉप रिलेटेड कंटेंट बहुत अच्छा अच्छा आता रहता है, दम भर के आता रहता है। तो सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को। और हाँ, बस सब्सक्राइब ही नहीं, उसका बगल में एक बेल आइकन होगा, उसको ज़रूर से ज़रूर दबा देना, क्योंकि बेल आइकन भी दबाना बहुत ज़रूरी है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर लेना इस वीडियो को। P1 सब में स्पीड टेस्ट हम लोग यहाँ पर ही करने वाले हैं, किसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को अभी स्पीड देखने को मिल रहा है। सबसे पहला जो है ये ओपन GX, चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें एक बार स्पीड करके देखते हैं टेस्ट इसमें कितना आ रहा है। यहाँ देख लो डाउनलोडिंग स्पीड देख लो, कुछ 50 Mbps का दोस्तों इसमें आ रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा डाउनलोडिंग स्पीड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। और पिंग भी हम लोग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है, 49 Mbps। यहाँ देख लो कितना ज़्यादा सही इसमें आप लोगों को जो FPS है, मतलब जो MB है, वो देखने मिल रहा है। और यहाँ पर ही अपलोडिंग स्पीड आप लोग देख लो, यहाँ पर ही आप इसका 50 में देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है आप लोगों को इसमें डाउनलोड स्पीड देखने को मिल रहा है। अगर आप लोग डाउनलोड वगैरह करते हो तो ये वाला जो मतलब ब्राउज़र है, आप लोगों को इसमें दिक्कत तो नहीं होने वाला है। तो ये तो हो गया, देख लो कितना कितना आया है यहाँ पर रिजल्ट, आप लोग देख सकते हो। अब यही हम लोग सेम चीज़ रन करते हैं, हम लोग ये ओकला इसमें रन किए हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट एज में, और माइक्रोसॉफ्ट एज आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ही हम लोग इसमें भी रन कर दो और इसमें देखते हैं हम लोग कितना का हम लोग स्पीड देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इधर उधर हम लोग यहाँ पर ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ही आप लोग इसका अपलोडिंग स्पीड देख लो और यहाँ पर इसमें अपलोडिंग स्पीड देख लो, इसमें 48 Mbps का आप लोग अपलोडिंग स्पीड मिल रहा है, इसमें 49 का मिल रहा है और डाउनलोडिंग स्पीड 49 का, इसमें भी 49 का, ठीक है, ज़्यादा का फर्क नहीं है। यहाँ पर भी हमारा जो स्पीड टेस्ट है वो कंप्लीट हो गया। आप लोग ब्रेव ब्राउजर में भी देख लो, इसमें भी आप लोग कुछ इसी टाइप का देखने को मिला, हल्का फुल्का जो कि माइनर सा फ़र्क है। यहाँ पर आप लोगों को 21 मिला था, यहाँ पर 0.16 मिला है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है, देखा जाए तो उतना का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर भी देख लो क्रोम में मेरे को थोड़ा सा इसमें, हाँ थोड़ा सा इसमें मेरे क्रोम में कम लग रहा है। क्रोम में डाउनलोड स्पीड देख लो हम लोग को 48.99 का मिल रहा है, दरअसल 49 ही समझ लो आप लोगों का, 48 के आसपास आप लोग यहाँ देखने को मिल रहा है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है चारों ब्राउज़र की स्पीड में। तो अगर आप लोगों को डाउनलोड करने से रिलेटेड अगर आप लोगों को कोई चीज़ दिक्कत है, अगर आप लोग डाउनलोड वगैरह अपलोड वगैरह ये सब में आप लोग कोई भी चारों में से किसी भी ब्राउज़र में दिक्कत तो नहीं होने वाला है। तो चलिए अब हम लोग स्पीड टेस्ट कर लेते हैं कौन सा ब्राउज़र में कितना जल्दी वेबसाइट सब ओपन होता है। मैंने इसमें टोटल 4 वेबसाइट यूज़ किया है टेस्ट करने के लिए, एक Google.com, एक मैंने यूट्यूब टेस्ट किया, एक फ्लिपकार्ट और एक अमेज़ॉन। तो आप लोगों को ये चारों में मैं टेस्ट करके दिखाऊंगा कौन सा में जल्दी ओपन होता है, तो आप लोग खुद देख लो किस में जल्दी ओपन होता है। अगर मैं आप लोगों को वीडियो में बताता तो बहुत टाइम लग जाता, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक चार्ट तैयार किया है जिसको कि आप लोग देख करके समझ सकते हो कि किस में जल्दी ओपन हो रहा है, किस में कितना सेकेंड लग रहा है ओपन होने में। तो आप लोग साफ साफ देख सकते हो मैंने चारों ब्राउज़र में चारों वेबसाइट को यूज़ कर लिया, खोल के देख लिया, तो आप लोग खुद देख लो किस में जल्दी ओपन हो रहा है। तो अब बार ये सिक्योरिटी टेस्ट करने का, किसमें हम लोगों को सबसे बेस्ट सिक्योरिटी मिलता है। मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट खोला है चारों ब्राउज़र में, और ये जो वेबसाइट है आप लोगों का सिक्योरिटी बताता है कि कौन सा वेबसाइट का सिक्योरिटी अच्छा है। सब में ये वेबसाइट जो है सिक्योरिटी टेस्ट करता है और देखता है कि कैसा अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो हम लोग चारों ब्राउज़र को ओपन कर लिए, एक तरफ ब्रेव, एक तरफ ओपेरा GX, एज और क्रोम, हम लोग चारों को यहाँ पर ओपन कर लिए है। और यहाँ पर हम लोग ब्रेव को, ब्रेव में हम लोग यहाँ पर जो टेस्ट है वो ऑन कर दिए है, और एज में भी हम लोग ऑन कर दिए और यहाँ पर क्रोम में भी ऑन कर दिए। तो अब चलिए देखते हैं किस में हम लोग को रिजल्ट सबसे अच्छा देखने को मिलता है। तो टेस्ट का रिजल्ट हम लोगों ने देख लिया, यहाँ हमारा जो टेस्ट कंप्लीट हो गया, सबसे ज़्यादा जो मिला है वो ब्रेव को मिला है, वार्निंग्स देख लो 17 मिला है और क्रिटिकल 1 और आप लोगों का 20 देख लो। सबसे ज़्यादा ब्रेव को हम लोगों को पॉइंट मिला है, ब्रेव में सबसे अच्छा सिक्योरिटी यहाँ पर ही, अब ये वेबसाइट के द्वारा बताया जा रहा है, हो सके अच्छा हो भी सकता और ऐसे भी ब्रेव ये सब कुकीज़ वगैरह के सब अलाउ नहीं करता है, हाँ तो वो भी है। तो और यहाँ पर आप लोग ओपेरा GX का भी देख लो,
और यहाँ पर ही एज का भी आप लोग साफ साफ यहाँ पर ही देख सकते हो, क्रोम का भी आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो। तो क्रोम में मेरे को बहुत कम यहाँ पर ही देखने को मिला है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर ही देख सकते हो 362 का हमें देखने को मिल रहा है, जो कि सही चीज़ नहीं है हमारा देखा जाए तो। वैसे इतना उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट हैकर्स लोग चाहे तो ये छोटा छोटा चीज़ को भी यूज़ करके आप लोगों का पीसी को हैक कर सकते हैं। मैं एक और चीज़ कवर करना चाहूँगा, ऑफलाइन गेम्स। आप लोगों को तो पता है कि जब नेट नहीं रहता है तब क्रोम वगैरह में कैसे गेम चलता है। तो ब्रेव में हम लोगों को ये जो डायनासोर वाला गेम है वो देखने को मिलता है, यहाँ पर देख सकते हो, जो हम लोग क्रोम में जैसे कैसे खेला करते थे वही वाला गेम हम लोग को यहाँ पर ब्रेव में भी देखने को मिलता है। और यही वाला सेम गेम हम लोग को जो क्रोम में है वो भी देखने को मिलता है, यानी कि ब्रेव और क्रोम का जो ये गेम है ये एक तरह से सेम ही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये है ओपेरा जीएक्स का। ओपेरा जीएक्स का गेम मेरे को थोड़ा सा मतलब अलग लगा, थोड़ा यूनिक लगा, जो कि मतलब अच्छा लगता है देखने में। ओपेरा जीएक्स में जो ये गेम है मतलब थोड़ा सा शूटिंग वर्किंग टाइप का थोड़ा गेम है, थोड़ा अलग टाइप का इसमें आप लोगों को गेम देखने को मिलता है। उसके बाद ये एज में देख लो, एज में आप लोगों कुछ मतलब स्विमिंग वगैरह टाइप का देखने को मिलता है, स्केटर वाला आप लोगों गेम देखने को मिलता है, पानी में जो ये स्केट करता है, मतलब ठीक है देखा जाए तो इसका भी गेम। और ये क्रोम में आप लोगों को नॉर्मल डायनासोर वाला गेम मिलता है, जो कि ब्रेव में भी था, तो ऑब्वियस बात है सेम ही है, आप लोग इसको खेले होंगे। तो यही था भाई लोग जिससे मैंने जो ओपेरा जीएक्स, ब्रेव, एज और क्रोम चारों को मैंने कंपेयर कर दिया और मैंने आप लोगों को चारों का रिजल्ट बता दिया, कौन सा अच्छा है कौन सा अच्छा नहीं है मैंने आप लोगों को सब बता दिया। बाकी अब आप लोग अपने हिसाब से जज कर लेना आप लोगों को कौन सा यूज़ करना है। अब देखो मैं अगर मैं कोई चीज़ इस वीडियो में कवर नहीं किया हूँ ना, तब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स से मेरे से उसको पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को उसका जो डाउट वोट है वो आप लोग क्लियर कर दूंगा। बट अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना हो तो आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे जा करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम का आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, तो जाओ आप लोग वहाँ पर भी मेरे को मैसेज करके मेरे से कुछ भी आप लोग पूछ सकते हो। फिर होंगे इसी की नई वीडियो को लेकर, और हाँ प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लेना अगर पसंद आए तो, सब्सक्राइब कर लेना हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग का एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लेना। तो भले चलिए, बाय बाय।